बीवी को छोड़कर अगर गर्लफ्रेंड के पास जाओगे तो सीधी सी बात है उसके भाव तो बढ़ेंगे। समझ गए होगे ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई सिम चलता था तो ये था BSNL, बट फिर उसके बाद आया जियो, एयरटेल, आइडिया, एंड जियो ने आते ही पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था। बट आज उसी जियो को लोग आग लगा रहे हैं और BSNL के पास वापस जा रहे हैं। बट जियो से BSNL पे जाने में आपका क्या फायदा है और वो कौन से दो झटके हैं जो कि BSNL आपको देने वाला है और किन रीजंस की वजह से जियो खत्म हो सकता है और BSNL जियो को बीट कर सकता है। करते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे चर्चा आज की इस वीडियो में। BSNL की शुरुआत होती है आज से 23 साल पहले 2000 में 15 सितंबर को और पहले ही साल BSNL 10,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट कमा लेती। ऑल्दो BSNL का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोगों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना था, वो भी कम दाम पर। एंड ऐसा हुआ भी, BSNL लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। उसने लाइक वैल्यू फॉर मनी प्लान्स लोगों को दिया एंड लोगों ने भी काफी उस पर भरोसा जताया एंड लोगों को भी BSNL काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही साथ BSNL पहला वो नेटवर्क, पहला वो सिम बनी जो कि देश के हर कोने में चलती थी, जिसने देश के हर कोने में कनेक्टिविटी पहुंचाई। उस टाइम पर BSNL आज की जियो से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। 70% मार्केट BSNL उस टाइम पर कैप्चर कर चुका था। बट थी तो ये एक सरकारी कंपनी, इसमें भी घोटाले हुए कुछ BSNL के मेन मेंबर्स ने अपनी जेब भरी सरकारी पैसों से। सबसे पहला इसमें नाम में टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन का, जिन पर ये एलिगेशंस लगे और CBI की भी इंटेरोगेशन में पता चला कि उन्होंने अपने घर पर 332 हाई स्पीड लाइन कनेक्शंस को अपने घर पर ही लगवा रखा है। एंड उन लाइंस का यूज फोन कॉल करने के लिए नहीं बल्कि सन टीवी चैनल के सिग्नल्स को अपलोड करने के लिए किया जा रहा था, जो कि दयानिधि मारन का ही एक प्राइवेट चैनल था। मतलब सरकार का पैसा और इक्विपमेंट एक प्राइवेट कंपनी में यूज हो रहा था और ये सब घोटाला दयानिधि मारन ने BSNL के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर किया था। सो ये उस टाइम का बहुत बड़ा स्कैंडल हो चुका था। सो दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा एंड सरकार को भी BSNL के और भी ट्रांजैक्शंस को रीचेक करना पड़ा। अब 2007 में BSNL की रेगुलेटरी पावर ए राजा को दी गई। इनके आते ही एक प्रोजेक्ट की बात हुई जिसमें वाईमैक्स टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में लॉन्च करने का प्लान हो रहा था, जिसमें वायरलेस डेटा देश भर में काफी इजीली फैल सकता था, वो भी काफी ज्यादा हाई स्पीड में। बट फिर हो गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ए राजा पर ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने टेंडर देने वाली कंपनी से रिश्वतखोरी की है, उनसे रिश्वत ली है। अब सरकार को लगा कि BSNL में और भी कहीं ज्यादा गड़बड़ियां हो सकती है, तो सरकार ने अब BSNL के हर एक प्रोजेक्ट पर दखल अंदाजी और साथ ही साथ नजर रखना चालू कर दिया। ऑल्दो CBI की नजर तो BSNL पर थी ही सही। अब जो भी टेंडर BSNL किसी प्राइवेट कंपनी को देना चाहती थी उस पर सरकार की पूरी नजर थी। इससे हुआ क्या, BSNL का काम स्लो डाउन हो गया एंड स्लो डाउन होने की वजह से BSNL अब लॉसेस में जाने लगी थी। अगर टेंडर के बारे में आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर BSNL को अपने और टावर्स इंस्टॉल करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो बेसिकली खुद जाकर ये सारे काम नहीं करेगी, वो किसी एक प्राइवेट कंपनी को ये टेंडर देगी कि वो उसके लिए ये सारे काम करे एंड जो भी कंपनी सबसे कम दाम और सबसे कम टाइम में वो टेंडर पूरा करेगी BSNL उसको टेंडर दे देती है उसकी कीमत पर। सो इस टेंडर में भी कई घोटाले हो रहे थे। अब आ जाता है 2008, इसमें फिर सरकार ने BSNL को लॉसेस से बचाने के लिए एक और नए प्रोजेक्ट की बात की और इसमें होता क्या, 9,03,00,000 GSM लाइन बिछाई जाती पूरे इंडिया में, जिससे काफी बेटर कनेक्टिविटी BSNL की हो जाती और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 1,000 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली थी, जो कि इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना सकता था, जो कि अगर सक्सेसफुल हो जाता तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होता उस टाइम पे। एंड देन इसमें भी वही सेम चीज रिपीट हुई, इसमें भी टेंडर्स में कहीं घोटाला हुआ और सरकार ने जब एक्चुअल में इस टॉपिक पर मीटिंग बैठाई तो सरकार ने इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया। बाकी जो बैकग्राउंड में प्राइवेट प्लेयर्स थे वो तो अपनी कनेक्टिविटी और नेटवर्क को सुधारे जा रहे थे एंड ग्रो करे जा रहे थे। BSNL इस टाइम पे आके काफी स्लो डाउन हो गया था। इवन BSNL के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खुद अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद सके, सरकार ने भी उसे फंड्स देने और उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। एक रीजन BSNL का फेल होने का ये भी है कि उसकी सर्विसेज भी बहुत खराब थी। लाइक उसके एम्प्लॉयज जो एक्चुअल में थे उन्हें घमंड था कि हम एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, सो वो किसी भी कस्टमर से सही से बात नहीं करते थे या उनकी कोई भी प्रोसेस को काफी ज्यादा डिले करते थे, जिसका एक रियल एग्जांपल आगे मैं आपको वीडियो में देने भी वाला हूं। और अब फाइनली इस गेम में हो गई जियो की एंट्री। जियो ने आते ही बोला तुम सस्ता नहीं यार, फ्री ले जाओ और 3G नहीं तुम 4G चलाओ। जहां पर एक ह्यूमन की बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान थी, वहीं पर जियो ने लोगों को लालच दिया, डेटा की आदत डलवाई एंड अब हम ह्यूमंस की नीड
रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट बन चुकी है। एंड एक्चुअल में अगर हम वो टाइम याद करें तो जियो की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी भी थी। एंड जियो के आते ही BSNL तो डूबा ही डूबा, बट साथ ही साथ एयरटेल, VI, डोकोमो सब कुछ डूब चुके थे। एंड जियो ने लगभग 50-60% मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब मार्केट में मेनली सिर्फ 3 लोग बचे थे, जियो, एयरटेल और VI, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया का कॉम्बिनेशन था इसलिए ये लोग बच गए। अब जियो ने एक्चुअल में खेला अपना मास्टर प्लान। पहले तो फ्री दे गए लोगों की आदत डलवाई डेटा को यूज करने की, इंटरनेट एक्सप्लोर करने की। एंड जब एक ह्यूमन इंटरनेट का आदी हो गया तो धीरे धीरे प्लान्स की प्राइस भी बढ़ाने लग गया। पहले जो प्लान 150 का था उसे 200 का कर दिया, देन 200 वाले को 250 कर दिया, 250 वाले को अब 300 कर दिया। एंड जब एक नॉर्मल ह्यूमन की अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा ये प्लान हो गया तब लोगों को ये जाकर समझ में आया कि हाँ यार एक्चुअल में प्लान्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड 2024 जुलाई में जाकर बवाल मचा, लोगों को समझ में आया कि हाँ एक्चुअल में अगर अभी हमने आवाज नहीं उठाई तो आगे चलकर यही प्लान्स 400 से 500 तक के हो सकते हैं। और एयरटेल और VI कहां कम पड़ने वाले थे, जियो के पीछे पीछे अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया। जनता को अब समझ में आ चुका था कि उन्होंने BSNL को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, अपनी बीवी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। खैर अभी माहौल ये चल रहा है कि काफी लोग देश भर में जियो से BSNL में पोर्ट करा रहे हैं, बट लोग करवा तो रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या BSNL उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, उन्हें वही स्पीड, क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा? और ये सब तो छोड़ो, क्या BSNL एक्चुअल में अभी सर्वाइव कर पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल BSNL रिवाइव करेगा एंड आपको बेटर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। इसके मेनली दो रीजन है। पहला तो है मोदी गवर्नमेंट। पिछले कई 6 सालों में मोदी गवर्नमेंट बार बार BSNL को फंड्स दे रही है, उनके एम्प्लॉयज की सैलरी दे रही है, ताकि BSNL उनके राज में तो एटलीस्ट खत्म ना हो, क्योंकि अगर उनके राज में BSNL खत्म हो गई तो जनता सबसे पहले उन्हीं को ब्लेम करेगी। सो मोदी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है BSNL को। साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने BSNL को फंड देकर देन BSNL ने टाटा को फाइनलाइज किया है टेंडर के लिए, जिसमें टाटा बोल रहा है कि हम 2024 में पूरे ही जगह 4G लगवा देंगे एंड 2025 में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे एंड वही सब सारी चीजें 4G से 5G में बदल जाएगी। सो टाटा कंपनी की बात पर तो मुझे भी भरोसा है, अगर वो बोल रही है तो बिल्कुल हो सकता है। एंड दूसरा भरोसा है हम लोगों पर। आज इंडिया में लोग भी काफी ज्यादा BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहे हैं सपोर्ट टू BSNL, टाटा BSNL, ये सारे टैग्स काफी ज्यादा चल रहे हैं पोर्ट टू BSNL। सो लोग भी काफी ज्यादा प्यार BSNL के टूवर्ड्स दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जियो को बायकॉट कर रहे हैं। और साथ ही साथ BSNL ने उन एम्प्लॉयज को भी हटा दिया जो कस्टमर से रूड बिहेव करते थे या उनका जो भी काम था उसे डिले करते थे। 170,000 में से कई एम्प्लॉय को बाहर भी कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर रूड बिहेवियर। साथ ही साथ BSNL ने अभी अपनी कंपनी में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एंड अब तो पब्लिक का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है एंड टाटा भी साथ है। सो हमारे पास एक तगड़ा होप है कि BSNL बाउंस बैक कर पाएगा। बट अब बात करते हैं बिजनेस लेसन्स की, कि क्यों BSNL एक्चुअल में टिका रहा और क्या उसकी गलती थी कि वो डूब गया। सबसे पहली चीज, BSNL मार्केट में इसीलिए टिका रहा क्योंकि उसने देश के हर कोने में अपनी कनेक्टिविटी पहुंचाई, जिसमें अभी तक कोई भी सिम पहुंच नहीं पाई है। सो उन कोने से BSNL को सपोर्ट मिलता रहा एंड BSNL चलता रहा। साथ ही साथ BSNL डूबा इसलिए था क्योंकि उसने एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया गया था, और जब टेक्नोलॉजी एक्चुअल में बढ़ानी चाहिए थी उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था या काफी स्लो काम कर रहा था। और सबसे मेन दिक्कत थी उनकी सर्विस। एक सरकारी एम्प्लॉय को अपने ऊपर घमंड था कि मैं BSNL में वर्क कर रहा हूं तो मैं किसी से भी अकड़ से बात कर सकता हूं, एंड इसी वजह से वो अगर ब्रॉडबैंड की सर्विस भी होती थी तो उसे भी कोई अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते थे। लोगों को काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना होता था उसके लिए। अगर मैं एयरटेल का आज वाईफाई लगवाता हूं तो एक दिन के अंदर वो इंस्टॉल भी करके जाएंगे और उसे स्टार्ट भी करके जाएंगे, बट यही चीज अगर हम BSNL के साथ करते हैं तो लगभग 1 महीना लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, इंस्टॉलमेंट में और साथ ही साथ स्टार्ट होने में। तो इस चीज को अब BSNL को सुधारना चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो। BSNL को डुबाने में दो लोगों का प्रमुख योगदान है, 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो जो BSNL की सर्विस लिया कसम बताते हैं दिल से बद्दुआ देता है। BSNL जिंदा की मर गया, जिंदा है, मरिए नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में गांव पे हमारे वाईफाई नहीं था तो एक ही ऑप्शन था, एक अधिकार था BSNL का, तो उससे कहे कि हमको लगा दो यहाँ पे, तो कहा कि सुनिए जितना दूर आपका है आपको खर्चा उठाना पड़ेगा उतना दूर का। तार का हम 35,000 रुपये दिए थे, JCB से खोद रहा था ना तो BSNL का तारवा खोद दिया। उसको कहे कि मेरा क्लास रुका हुआ है ठीक करो, तो कह रहा है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। एक दिन आके गरिया दिए हम भी। BSNL का जो जिला हेड था ना, वो कह रहा हम आपके ऊपर केस करेंगे, हम थोड़ा आज हम बताएंगे कि हम क्या है। BSNL को प्राइवेट किया जा रहा था
तो कोई भारत का आदमी नहीं आया उसके लिए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी गलती अब BSNL सुधार भी रहा है, और जियो से भी हम एक लेसन सीख सकते हैं कि अगर आपको लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो पहले उस प्रोडक्ट की उन्हें वैल्यू समझाओ। भले ही उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा उसमें आपको एक्सपेंस लग रहा है, बट इन फ्यूचर में जाकर आपका प्रोडक्ट सेल भी होगा और साथ ही साथ आप अपने एक्सपेंस से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सो प्रोडक्ट की वैल्यू समझाओ एंड बाद में आराम से किंग बन जाओ। अभी आप कौन सी सिम चला रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताना, और BSNL में आप पोर्ट कराने वाले हैं ये भी कमेंट्स में बताना, और ऐसी बिजनेस केस स्टडीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और एडिटिंग लगती है। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।